एक दरवाजे के बीच में मुझे एक ऐसा कमरा मिला है जो बिग बॉस के इतिहास में हमेशा रहता है, कन्फेशन रूम। सो ये जो कमरा है बहुत ही मोमेंट, एक अच्छा मोमेंट हो जाता है कन्फेशन रूम में। हर टाइम बिग बॉस घर के इस कमरे में बुलाते हैं और कहते हैं कि कौन से ऐसे सदस्य हैं जिसको आप एलिमिनेट करोगे। सो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमरा है कन्फेशन रूम। चलिए हम जाते हैं उस कमरे में और यादें ताज़ा करते हैं उस कमरे की कि क्या है उसकी यादें। चलिए, सो बिग बॉस चाहते हैं कि विशाल अंबानी कन्फेशन रूम में आए, तो चलिए कन्फेशन रूम में जाते हैं, देखते हैं एक नज़ारा कन्फेशन रूम का, कितना वंडरफुल है ये कन्फेशन रूम। सो हर कोई यहाँ आता है, बैठता है और बिग बॉस से बातें करता है और बिग बॉस को कहता है अपने मन की बातें। और काफ़ी सारे आइकॉनिक मोमेंट है। मुझे सबसे बड़ा आइकॉनिक मोमेंट एक था जब शहनाज गिल यहाँ आती है सिद्धार्थ को लेने के लिए। सो वो हर एक सिद्धार्थ और शहनाज के फैन के मन में हमेशा से वो आइकॉनिक मोमेंट बस गया रहेगा। और हम देख सकते ये जो टाइगर्स है वो हमें नज़र दे रहे हैं और कह रहे हैं। और काफ़ी सारे मोमेंट है, एक मोमेंट एक ऐसा भी आया था कि जब आसिम और सिद्धार्थ को दोनों को एक साथ बुलाया था बिग बॉस ने और कहा था कि क्या करना चाह रहे हो, आप दोनों आइकॉनिक हो इस घर के। और हमें उस सीज़न की मैं बात करूँ, फर्स्ट आए थे सिद्धार्थ शुक्ला और सेकेंड आए थे आसिम रियाज, तो दोनों आइकॉनिक प्लेयर्स थे और काफ़ी सारे हैं। और इस तरह से ये है कन्फेशन रूम। चलिए जाते हैं दूसरी जगह, दूसरे कमरे में और देखते हैं कि क्या सारे मोमेंट्स है। चलिए लेट्स गो।